कैसे हैं आप? पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। तो दोस्तों, आज मैं एक धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूँ, ऐसे नंबर्स की जिसमें किसी नंबर का स्क्वायर बनाना हो जिसमें सभी जगह वन हो। लाइक 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, और 1111 का स्क्वायर, और 11111 का स्क्वायर, या इस तरीके से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बनाते हो जिसमें सभी में वन आता है, तो आप इसका सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। बस ट्रिक समझने की देर है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, इसे आगे पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ। स्क्वायर ऑफ 11, इसमें समझना है दोस्तों वन कितने टाइम आया। टू टाइम वन है, तो हमें करना क्या है, वन टू, टू तक सीधा काउंटिंग लिखा, देन टू के बाद अगेन वन लिख दिया, यानी कि बैक काउंटिंग, टू वन, तो आंसर हुआ 1 2 1। इसमें 111 का स्क्वायर बनाना है दोस्तों, तो यहां देखना 3 टाइम 1, तो आंसर होगा 1 2 3, देन बैक काउंटिंग, 3 के बाद आएगा 2 1। नेक्स्ट इसका आंसर 4 टाइम 1 है, तो आंसर होगा 1 2 3 4, अगेन बैक काउंटिंग, 3 2 1। देखें, अब इसमें अपना नंबर दिया 11111 का स्क्वायर बनाना है, तो आपको इसमें भी सेम वे में आपको करना है। तो यहां पर 1 आया है 5 टाइम, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5, देन 4 3 2 1। अब लास्ट आपका 1 आपको चेक करना है कितने टाइम बनाया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम बनाया। जब 8 टाइम बनाया है तो आपको इसका स्क्वायर करने के लिए कंटिन्यू इसका आंसर लिखेंगे, तो 1 से 8 तक सीधी काउंटिंग लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन बैक काउंटिंग लिख देना है, 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका हो गया आंसर। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो हमें इसे लाइक कर दे दोस्तों, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हम और अधिक वीडियो आपको डालते रहेंगे दोस्तों। और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चलने वाला ट्रिक है दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।